नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हर रोज हर सुबह हम आपको एक कैप्सूल प्रोवाइड कराएंगे, आज ये कैप्सूल नंबर 1 है। बहुत ही बेनिफिशियल है, जैसे दवाई होती है ना डॉक्टर की, रोज रोज आपको मिलेगी अब। और एक बार इस सवाल को देखिए, पढ़िए, और बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके जो वर्ड्स है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है सर्वगुणज और यहाँ पे सर्वगुणनखंड, दोनों क्या चीजें हैं? सवाल कह रहा है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज और कह रहा है 18 और 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड। देखिए, दोनों चीज को आपको जानना होगा। सर्वगुणज क्या होता है? देखिए, ये बहुत सिंपल चीज है। सर्वगुणज को हम कहते हैं एलसीएम। ये सभी को पता हो भी या ना भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना सर्वगुणनखंड, ये सबसे पेचीदा सवाल है। ये जो है लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या पूछा जा रहा है सर्वगुणनखंड क्या है। असल में क्या होता है कि सर्वगुणनखंड हम उसी को कहते हैं जो इन दोनों में जब इन दोनों का हम फैक्टर करते हैं तो वो चीज कॉमन मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 18 का अगर मैंने फैक्टर किया, फैक्टर का मतलब ये नहीं होता कि मैं गुणनखंड कर दूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे नहीं होता। फैक्टर का मतलब होता है कि कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर देगा। तो आप कह सकते हैं 1 भी करेगा 2 भी करेगा 3 भी करेगा 4 नहीं करेगा 6 करेगा 9 करेगा और 18 करेगा, कोई दिक्कत? अब मैं कह रहा हूं 45 भी था, देखो 45 को 1 करेगा लेकिन 2 नहीं करेगा, अब 3 करेगा, आया ना, 3 करेगा और इसके बाद 5 करेगा, ठीक है जी, फिर क्या करेगा, 9 करेगा, फिर 15 करेगा, फिर सीधे 45 ही करेगा। क्लियर है? अब देखिए बहुत प्यार से, सर्वगुणज का मतलब ये होता है ना, सर्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हो, ऐसा कॉमन चीज जो दोनों में हो। सर्वगुणनखंड क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। अब जरा देखिए, ऐसा सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड कौन सा जो दोनों में कॉमन है? तो देखिए मित्र, ये रहा आपका, ये है दोनों में कॉमन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये है दोनों में कॉमन, यानी कि 9 जो है वो सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि हमें सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड मिल गया 9। गॉट इट? यहां भाग था, ये भी क्लियर आपको। और मैंने कहा था कि सर्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम। मेरे दोस्त, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो, अगर 36 को मैंने ले लिया, ठीक है जी, अगर मैंने 36 को ले लिया तो आप जानते हैं यहां से मैंने 6 को उठा लिया, ठीक है जी 6 को उठा लिया, 10 बचा, और आप जानते हैं कि मैंने और कुछ भी उठाया हुआ है, इसका मतलब 2 और उठा लिया तो 5 बचा। तो कुल मिला के जो मेरा एलसीएम आया वो आया इतना, 36 × 5 × 5। अब देखो भैया, 9 चौके 36 4, और 4 5 जो 20 होता है ना, वो आपको इस सवाल का आंसर होता है। समझ रहे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं स्टार भी लगा देता हूं उस पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस वीडियो को पूरा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपकी यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। कैप्सूल है, लेना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।